Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अमरीकी फौज अफगानिस्तान में अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। एक अर्से से अफगानिस्तान में अमन के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मसला हल करने के लिए हमसाय ममालिक में इत्तेफाक राय होना चाहिए। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की ईरानी सदर हसन रूहानी से गुफ्तगू। कराची को रेंजर्स ने अमन का गहवारा बना दिया। अंसारुल शरिया के खिलाफ अहम कामयाबी मिली। इंतशार की जानिब ले जाने वालों से होशियार रहना चाहिए। बानी पाकिस्तान की बरसी पर वजीर दाखिला एहसन इकबाल की मजार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहीं भी मैच कराना पीसीबी की सवाबदीद है। वर्ल्ड 11 में फटीचर खिलाड़ी नहीं बेहतरीन खिलाड़ी पाकिस्तान आए हैं। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की इमरान खान पर नाम लिए बगैर तनकीद। ये वर्ल्ड 11 कोई फटीचर खिलाड़ी नहीं आ रहे, ये दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आ रहे हैं। टैलेंट मौजूद है, उम्मीद है शाकिन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। वर्ल्ड 11 के कोच एंडी फ्लावर और कप्तान फाफ डुप्लेसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद आफरीदी कहते हैं कल स्टेडियम में बैठ कर मैच देखेंगे। ये भी कहा कि वर्ल्ड 11 में भारत के एक दो क्रिकेटर भी शामिल होते तो अच्छा होता। किसानदार जराए आमदन बताने में नाकाम रहे। सफाई का मौका दिया मगर पेश ना हुए। नैब ने उबूरी रेफरेंस में वजीर खजाना को मुलजिम करार दे दिया। दस्तावेजात की कॉपी आज ही उसको मौसूल। नैब हुकाम ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस से मुतालिक मतलूबा दस्तावेजात एहतसाब अदालत में जमा करा दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दस्तावेजात की स्क्रूटनी शुरू कर दी। दस्तावेजात लंदन में एवान फील्ड प्रॉपर्टी से मुतालिक हैं। जराए NA 120 पर जिंदी इलेक्शन की मुहिम में वालदा का साथ है। मरियम नवाज की मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबरा प्रोफेसर साजिद मीर से दरखास्त, न सिर्फ जिंदन बल्कि आम इंतखाबात में भी हमारे कारकुन नून लीग को वोट देंगे। साजिद मीर की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ ने आज भी इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंडिंग की तफसीलात नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ को 18 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जवाब जमा ना कराए तो इल्जामात दुरुस्त तसव्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन। लाहौर हाईकोर्ट ने शरीफ खानदान की 3 शुगर मिल्स की जनूबी पंजाब मुंतकली गैर कानूनी करार दे दी। शुगर मिल्स की मुंतकली जहांगीर तरीन ने चैलेंज की थी। सिर्फ नवाज शरीफ को नाअहल करार देना काफी नहीं। पानामा केस में शामिल तमाम अफराद का एहतसाब होना चाहिए। अशराफिया और आम आदमी के एहतसाब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। लाहौर में एहतसाब मार्च के आगाज पर सिराजुल हक का खिताब। मार्च के शुरका का जगह जगह इस्तकबाल। तमाम इदारों को अपनी जिम्मेदारियां आईन के मुताबिक अदा करनी चाहिए। कोई अथॉरिटी या रियासती इदारा आईन के खिलाफ काम करे तो अदलिया को रिव्यू का इख्तियार हासिल है। इंसाफ की फरहमी के लिए बार और बेंच को मुत्तहिद होने की जरूरत है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का नए अदालती साल पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कराची के इलाके बल्दिया की फैक्ट्री में मजदूरों के कत्लेआम को 5 बरस बीत गए। 259 अफराद को जिंदा जलाने वाले अंजाम को ना पहुंच सके। पुलिस की नाअहली से मुकदमा भी इल्तवा का शिकार हो गया। लवाहिकीन अब तक इंसाफ के मुंतजिर। सानेह बल्दिया में मुलविस किसी भी मुजरिम को नहीं बख्शा जाएगा। मुतासरीन को इंसाफ जरूर मिलेगा। वजीर इत्तिलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची में मुतासरीन बल्दिया की याद में तकरीब से खिताब। मिशाल कत्ल केस में 30 मुलजिमान ने इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। वालिद मिशाल खान मोहम्मद इकबाल कहते हैं GIT रिपोर्ट और उनके बयान के मुताबिक तहकीकात की जाए। 4 मफरूर मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इस्लामाबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की इमारत में गुज़िश्ता रोज लगी आग कई सवालात छोड़ गई। फायर फाइटर्स ने इमारत के डिजाइन को इमदादी सरगर्मियों में रुकावट करार दिया तो दफातर के मुलाजमीन ने इमदादी सरगर्मियों का बरवक्त आगाज न होना और 3 साथियों की मौत को हुकूमती नाअहली करार दिया।
पेशावर की पहाड़ी पुरा फ्लो मिल्स दहशतगर्दों को असलहा और बारूद सप्लाई करती थी। कंट्रोल अफगानिस्तान से किया जाता था। तहकीकात में पेशरफ, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। मानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को 69वीं बरसी पर पूरी कौम का खिराज अकीदत। गवर्नर सिंध और वजीर आला की मजार कायद पर हाजिर। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में अनोखे तरीके का इस्तेमाल। गुलशन अखबार में स्ट्रीट क्रिमिनल्स गाड़ी चोरी के लिए वैसे ही गाड़ी साथ ले आए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों इंसानी हकूक की पामालियां जारी। कुलगाम में मजीद दो नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय मजालिम के खिलाफ कुलगाम में हड़ताल, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। म्यांमार की हुकूमत मुसलमानों के कत्लेआम की बदतरीन मिसाल काम कर रही है। रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी फौरी तौर पर बंद की जाए। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक काउंसिल के चीफ जैद राद का मुतालिबा। बुद्ध रहनुमा दलाई लामा की अपने परिस्तारों को मजलूम मुसलमानों की मदद की हिदायत। इलेवन सानहे को 16 बरस बीत गए। मरने वालों की याद में अमरीका में मुख्तलिफ तकारीब होंगी। एक मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। अमरीका में दहशत गर्दी के बाद अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के असरात से पाकिस्तान बहुत मुतासर हुआ, मगर अमरीकी क्यादत आज भी पाकिस्तान की कुर्बानियां तस्लीम करने को तैयार नहीं।